हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 3 है, द 5 चाइनीज ब्रदर्स, पांच चाइनीज भाई। ये कहानी चाइना की है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 5 चाइनीज ब्रदर्स। एक बार की बात है कि पांच चाइनीज भाई थे, एंड दे ऑल लुक जस्ट अलाइक, और वे सब जो है एक जैसे लगते थे। दे ऑल लिव्ड विद देयर मदर इन अ लिटिल हाउस नॉट फार फ्रॉम द सी। वे सभी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे जो कि समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं था। द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर कुड स्वेलो द सी। पहला चाइनीज भाई जो था वो समुद्र को पी सकता था, यानी निगल सकता था। स्वेलो मीन्स होता है निगलना। द सेकेंड चाइनीज ब्रदर हैड एन आयरन नेक। दूसरे चाइनीज भाई की जो गर्दन थी वो लोहे की बनी थी। द थर्ड चाइनीज ब्रदर कुड स्ट्रेच हिज लेग्स। और जो तीसरा चाइनीज भाई था वो अपने पैरों को फैला सकता था, मतलब लंबा कर सकता था, ये फैला सकता था। द फोर्थ चाइनीज ब्रदर कुड नॉट बी बर्न। और चौथा चाइनीज भाई जो जल नहीं सकता था। द फिफ्थ चाइनीज ब्रदर कुड होल्ड हिज ब्रीथ फॉर एज लॉन्ग एज ही विश्ड। और जो पांचवा चाइनीज भाई था वो अपनी सांस को रोक सकता था जब तक कि वो चाहता, जितनी देर भी मतलब वो चाहता उतनी देर तक वो सांस को अपनी रोक सकता था। एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर वुड विड हिज मदर गुड बाय। प्रत्येक सुबह को जो पहला चाइनीज भाई था वो अपनी माँ को विड कहते हैं, किसी तरह से गुड बाय, जैसे सुबह की गुड मॉर्निंग कहना, तो वो गुड बाय कहकर एंड गो फिशिंग, और फिशिंग के लिए जाता था। वॉट एवर द वेदर ही वुड कम बैक टू विलेज विद ब्यूटिफुल फिश। वह जो है सुंदर मछलियों के साथ गांव में वापस आता था, विच ही हैड कॉट, जो उसने पकड़ी थी, एंड कुड सेल इट, और वो इनको बेचता था एट द मार्केट, बाजार में, फॉर अ वेरी गुड प्राइस, एक बहुत अच्छे प्राइस यानी पैसों के लिए, ठीक है। वन डे एज ही वॉज लीविंग द मार्केट प्लेस, एक दिन जब वह बाजार का स्थान छोड़ रहा था, अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड हिम, एक छोटे लड़के ने उसको रोका, एंड आज वह पूछा इफ ही माइट गो फिशिंग विद हिम, क्या मैं आपके साथ मछलियां पकड़ने जा सकता हूँ। नो इट कैन नॉट बी डन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेड द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर। पहले चाइनीज भाई ने कहा। द लिटिल बॉय बैग्ड एंड बैग्ड, उस छोटे लड़के ने जो है बार बार उससे प्रार्थना की। एंड एट लास्ट द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर सेड, और आखिर में पहले चाइनीज भाई ने कहा, यू मे गो, तुम चल सकते हो, इफ यू विल प्रॉमिस वन थिंग, यदि तुम एक चीज के लिए प्रॉमिस करो यानी वादा करो, प्रॉमिस मी टू ओबे प्रॉम्प्टली, कि वादा करो कि तुम मेरी आज्ञा को तुरंत ही मानोगे। प्रॉम्प्टली कहते हैं शीघ्रता से, ठीक है, तुरंत ही मेरी आज्ञा को मानोगे। यस यस ही लिटिल बॉय प्रॉमिस्ड, हाँ, उस छोटे लड़के ने वादा किया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर एंड द लिटिल बॉय वेंट डाउन टू द शोर। अगली सुबह जल्दी ही पहला चाइनीज भाई और वो छोटा लड़का, शोर कहते हैं समुद्र के किनारे को, वहां गए। रिमेम्बर सेड द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर, याद है ना तुम्हें, पहले चाइनीज भाई ने कहा यू मस्ट ओबे मी प्रॉम्प्टली, कि तुम्हें मेरी जो है वो आज्ञा शीघ्रता से माननी होगी। व्हेन आई मेक अ साइन फॉर यू टू कम बैक, जब मैं तुम्हें लौटने के लिए इशारा करूंगा, यू मस्ट कम एट वंस, तुम्हें एक तुरंत ही आना होगा। देन द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर स्वेलोड द सी, तब जो है पहले चाइनीज भाई ने समुद्र को निगल लिया। ऑल द फिश वर लेफ्ट हाई, सभी फिश जो है मछलियां ऊपर रह गई, एंड ड्राई एट द बॉटम ऑफ द सी, और जो समुद्र का की तली थी वो सूख गई। ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द सी ले अनकवर्ड, और उसके समुद्र का जो भी सारा खजाना था वो अनकवर्ड हो गया, यानी छुपा नहीं रह सका फिर। द लिटिल बॉय वॉज वेरी डिलाइट, छोटा लड़का जो बहुत खुश हुआ, ही रैन हेयर एंड देयर, और वह इधर से उधर भागने लगा। फिलिंग हिज पॉकेट्स विद वंडरफुल शेल्स एंड प्लांट्स विच ही हैड नेवर सीन बिफोर, और वो अपनी पॉकेट यानी जेब में क्या भरने लगा, आश्चर्यजनक शेल्स जो थे, और प्लांट्स यानी पौधे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नियर द सोर द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर गैदर्ड सम क्लैम्स वाइल ही कैप्ट होल्डिंग द सी इन हिज माउथ। नदी, उस समुद्र के किनारे पहला चाइनीज भाई जो था उसने कुछ समुद्री जानवर को इकट्ठा किया, वाइल ही कैप्ट होल्डिंग द सी इन हिज माउथ, जब तक उसने अपने मुंह में जो है समुद्र को रोक रखा था।
सून ही ग्रीव टायर्ड, जल्दी ही वह थक गया। इट वॉज वेरी हार्ड टू होल्ड द सी, समुद्र को पकड़े रखना बहुत ज्यादा कठिन था। ही मेड अ साइन विद हिम हैंड फॉर द लिटिल बॉय टू कम बैक, उसने अपने हाथ से इशारा किया छोटे बच्चे को बुलाने के लिए। द लिटिल बॉय सॉ बट पेड नो अटेंशन, छोटे बच्चे ने देखा लेकिन उसने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर वेव्ड हिज आर्म्स टू कॉल द बॉय बैक, पहले चाइनीज भाई ने फिर से उस लड़के को बुलाने के लिए अपने हाथ को हिलाया। डिड द लिटिल बॉय केयर नॉट विट एंड ही रन फार्दर अवे, उस छोटे लड़के ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह और दूर भागने लगा। द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर फेल्ट द सी पुशिंग अप इनसाइड हिम, पहला चाइनीज भाई जो था वो समुद्र को अपने अंदर रोक पाने के में समुद्र को जो है अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए महसूस कर रहा था। ही वेव्ड हिज हैंड एज ही कुड टू कॉल द लिटिल बॉय, उसने उस छोटे लड़के को बुलाने के लिए फिर से अपने हाथ को हिलाया। द लिटिल बॉय मेड फेसेस एट हिम, छोटे लड़के ने क्या किया उसकी तरफ जो है वो मुंह बनाने लगा, चुड़ाने लगा उसको। एंड रैन फास्ट एज ही कुड द अदर वे, और तेज भागता रहा दूसरी तरफ। गोइंग फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द शोर, उस समुद्र के किनारे से दूर की तरफ वो भागता रहा। द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर हेल्ड द सी अंटिल ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, पहला चाइनीज भाई जो था उसने समुद्र को पकड़े रखा जब तक वो पकड़ सकता था, जितनी देर तक वो उसको पकड़ सकता था पकड़े रखा। ऑल ऑफ अ सडन द सी पुश्ड इट्स वे आउट ऑफ हिज माउथ एंड वेंट बैक टू इट्स बेड, अचानक ही क्या हुआ वो समुद्र को उसने पुश कर दिया यानी बाहर की तरफ, उसके मुंह से वो बाहर की तरफ आ गया। एंड बेंट बैक टू इट्स बेड, और अपने बेड यानी अपने वैसे ही फैल गया। एंड द लिटिल बॉय वैनिश्ड, और जो छोटा लड़का था वो लुप्त हो गया, मतलब समुद्र में वो बह गया, डूब गया। इसके आगे की जो चैप्टर है इसके आगे की अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।